वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था, साथ में कौन कौन से जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उसके बारे में बता दिया था, और लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड हैबर साइकिल से कैलकुलेट करते हैं तो उसके बारे में बता दिया था, उस पर न्यूमेरिकल भी करवा दिया था। अब हमें आगे जानना है पोलराइजेशन, तो ये देखना है कि पहले पोलराइजेशन होता क्या है, ये भी आयनिक बॉन्ड के लिए होता है ठीक। पोलराइजेशन तो हमें ये देखना है कि पोलराइजेशन होता क्या है तो, और उसके कौन कौन से कंडीशंस हैं ठीक है, किन कंडीशन में पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। तो सबसे पहले पोलराइजेशन के बारे में जानते हैं। तो पोलराइजेशन क्या होता है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में, किसी भी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कुछ कैरेक्टर, सम कैरेक्टर किसका होता है, कोवेलेंट का होता है ठीक है। आयनिक बॉन्ड में कुछ कैरेक्टर क्या होता है, कोवेलेंट का होता है, और कोवेलेंट का होता है इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन के कारण ही होता है, यही समझना है कि पोलराइजेशन क्या होता है और किस तरीके से जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें समझनी है हमें। इसके पहले एक चीज़ हमने ये भी बता दिया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और दूसरा क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर पहले पढ़ाया जा चुका है, तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ही कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता था ठीक है। फिर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों होगा, तो इसका रीजन है पोलराइजेशन ठीक है। पोलराइजेशन के कारण ही आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। तो अब समझाते हैं आपको कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है और क्या चीज़ें होती हैं, पोलराइजेशन क्या होता है। तो आयनिक, सबसे पहले देखना है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कैसे, पहले बता चुके हैं फिर भी देख लीजिए। जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ड्यू टू कम्प्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो यहाँ पर दो एटम होंगे, एक होंगे कटायन होंगे और दूसरा होगा एनायन होगा ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर गया है, इसके कारण एक कटायन बना दूसरा एनायन बना ठीक है। ये वाला है कटायन और ये एनायन, इसमें भी क्या होता है सेंटर में पॉजिटिव होता है क्योंकि न्यूक्लियस है, और ये पूरा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एनायन है, ये यहाँ लिख देते हैं, ये है एनायन, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया ठीक है। अब यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ड्यू टू पॉजिटिव और निगेटिव आयन, उसी को बोलते थे आयनिक बॉन्ड बोलते थे। अब इस आयनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो कैसे होगा वो हमें समझना है, और पोलराइजेशन क्या होता है ये समझना है ठीक है। तो होता क्या है कि इसका जो ये जो कटायन है ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन, और एनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज आयन ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन फैला हुआ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन को जो एन आयन है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कटायन है वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और साथ में एक काम और करेगा, और वो क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, इसमें रिपल्सन करेगा, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा ठीक है। दो चीज़ें होंगी इसमें, पहला चीज़ जो कैटायन है वो एनायन में क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो दो चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें होने से होगा क्या कि इसका जो शेप है ठीक है, जो एनायन का जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, इसके कारण जो इसका शेप है वो शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा ठीक है। जब शेप बिगड़ेगा तो होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस था इसका यहाँ ना होकर हल्का सा शिफ्ट कर जाएगा इधर की तरफ ठीक है, और ये जो शेप ऐसे था, एनायन का जो शेप था ऐसा था, तो ये शेप ऐसे ना होके जब इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ शिफ्ट किया तो इसका शेप जो है हल्का सा क्या होगा, ऐसा हो जाएगा ठीक है। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर गया, किधर की तरफ, कैटायन की तरफ शिफ्ट कर गया ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ज़्यादा होंगे, इधर की तरफ क्या होंगे, कम इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले क्या था इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ठीक है, न्यूक्लियस इधर की तरफ शिफ्ट कर गया, इसको भी बना देते हैं, न्यूक्लियस क्या हुआ, ऐसे शिफ्ट कर गया ठीक है, और यहाँ पर क्या था, ये कैटायन था। अब जो है हुआ क्या, एनायन का क्या होगा, डिस्टॉर्शन हो गया, इसका जो शेप बिगड़ गया, इस शेप बिगड़ने को बोलते हैं डिस्टॉर्शन ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन,
इसी डिस्टॉर्शन को क्या बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका शेप बिगड़ गया, शेप बिगड़ने को ही डिस्टॉर्शन वर्ड से डिनोट करते हैं, या फिर शेप बिगड़ने को ही डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए दो इंग्लिश के अलग वर्ड है, सेम चीज़ हैं। ठीक है, तो एनायन का क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। ठीक है, और इसी डिस्टॉर्शन को, किसके, एनायन के डिस्टॉर्शन को ही बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, इसी बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन सिंपल सा होता है डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, और किसके कारण होता है, ड्यू टू कैटायन। ठीक है, एनायन का डिस्टॉर्शन कैटायन के कारण हो रहा है, और इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोलराइजेशन। अब इसमें और एक टर्म पढ़ना है जिसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर का मतलब ये होता है कि एनायन को जो डिस्टार्ट कर रहा है वो कर कौन रहा है, कैटायन कर रहा है। ठीक है, तो इसका पावर क्या है, कितने पावर से इसको डिस्टार्ट कर रहा है, मतलब कितना ज़्यादा डिस्टार्ट कर रहा है, कितना कम कर रहा है। ठीक है, तो वही होता है पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर हम किसका देखते हैं, तो पोलराइजिंग पावर देखते हैं, हम देखते हैं कैटायन का। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर देखते हैं कि ये कितना इसको डिस्टार्ट कर दिया एनायन को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पोलराइजेशन होता किसका है, तो पोलराइजेशन होता है एनायन का, और पोलराइज करता कौन है, तो करता है कैटायन। अब पोलराइज जो कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। तो दोनों वर्ड यह ध्यान रखना है कि पोलराइजिंग पावर किसका निकलता है, कैटायन का निकलता है, अब पोलराइजेशन किसका निकलता है, तो एनायन का निकलता है। ठीक है, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो अब हमें क्या देखना है, ये हमें पता चल गया पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कैटायन का होता है, पोलराइजेशन किसका होता है, एनायन का होता है। ठीक है, क्योंकि एनायन का क्या हो रहा है, एनायन का डिस्टॉर्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग आप पोलराइजेशन पढ़ सकते हैं, या फिर फैक्टर अफेक्टिंग आप पोलराइजिंग पावर पढ़ सकते हैं, दोनों में से किसी का पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कि इसमें साइज़ देखना है, किसका साइज़ ज़्यादा, कटायन का साइज़ ज़्यादा, एनायन का साइज़ ज़्यादा, किस में ज़्यादा होता है, या फिर जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं। तो एक एक करके आपको फैक्टर्स के बारे में पढ़ाते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजिंग पावर को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगला इसमें अब जानना हमें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो इसमें हमें चार ही पढ़ना है, और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IIT जैम के लिए। ठीक है, तो जैम के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, आप देखेंगे हर एक दो साल गैप में इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या पढ़ना है हम लोग को, सबसे पहला फैक्टर है चार्ज ऑफ कैटायन। तो चार्ज ऑफ कैटायन जो होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर बना देते हैं, ये एक कैटायन है और दूसरा यहाँ पे मान लीजिए एनायन बन गया। ठीक है, तो इसमें चार्ज मान लेते हैं प्लस टू चार्ज है, एक दूसरा बनाते हैं इसमें मान लेते हैं प्लस फोर चार्ज है, यहाँ पे क्या है प्लस टू है, यहाँ पे प्लस फोर है। अब देखना ये है कि कौन सा चार्ज ज़्यादा तेज़ी से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, उसी को तो बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होता है कि इसका जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ खींचा, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा क्या बोलेंगे कैटायन का क्या है, पोलराइजिंग पावर है। ठीक है, तो कैटायन का जो पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्या होता है, वो होता है बस सिंपल सा एनायन के इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, या कितना ज़्यादा एनायन को क्या कर रहा है डिस्टॉर्ट कर दे रहा है, जिसका इसका शेप कितना ज़्यादा क्या कर रहा है बिगाड़ दे रहा है, सिंपल सा कह सकते हैं इसके शेप को कितना ज़्यादा बिगाड़ दे रहा है। ठीक है, तो इस पे प्लस टू चार्ज है, इस पे प्लस फोर चार्ज है, तो प्लस फोर वाला क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, प्लस फोर वाला क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज है इस पे, ज़्यादा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो क्या करेगा इसके एनायन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज बढ़ने पर इसका एनायन का डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है। ठीक है, चार्ज इसका बढ़ा देंगे कैटायन का, तो एनायन का क्या होगा डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा, डिस्टॉर्शन बढ़ गया मतलब इसका पोलराइजेशन बढ़ गया। ठीक है, तो चार्ज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के, पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, एनायन के पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी करा देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो गया एक लेते हैं NaCl, अगला लेते हैं MgCl2, और तीसरा लेते हैं AlCl3। अब इन तीनों में जो एनायन है ये है क्लोरीन। ठीक है, तो तीनों में क्लोरीन कॉमन है, तो हमें क्या देखना है कैटायन का देखना है, कैटायन में क्या देखना है इसका चार्ज देखना है।
तो सोडियम पे क्या होता है, प्लस वन चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे क्या होता है, प्लस टू चार्ज होता है, एल्युमिनियम पे क्या होता है, प्लस थ्री चार्ज होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो इन तीनों में अगर ये पूछा गया किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, या फिर पूछ दिया गया कि कौन एन आयन को ज़्यादा तेज से डिस्चार्ज करेगा, मतलब या फिर पोलराइजेशन किसका कौन ज़्यादा करेगा, ठीक, तो तीनों में आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। पोलराइजेशन कौन ज़्यादा करेगा या पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, तो दोनों के लिए ये आंसर होगा इसका सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो कट आयन है इस पर चार्ज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो पहला फैक्टर ये था, यहाँ लिख देते हैं, सारे फैक्टर्स को भी लिखते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, चार्ज ऑफ कट आयन पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ एन आयन, ठीक है। तो वापस फिगर बनाते हैं साइज ऑफ एन आयन का। अब यहाँ पर कटायन है प्लस टू ले लेते हैं, यहाँ पे अब चार्ज नहीं देखना है, हमें साइज देखना है। तो एक साइज ये हो गया, बड़ा साइज हो गया एन आयन का, दूसरा साइज मान लेते हैं एक छोटा साइज मान लेते हैं, ये एक छोटा साइज हो गया एन आयन का, ठीक है, एन आयन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसका डिस्टॉर्शन करना है, इसका क्या करना है, शेप को बिगाड़ना है, सिंपल से डिस्टॉर्शन करना है, शेप को बिगाड़ना है। तो शेप को कौन ज़्यादा बिगड़ेगा, जिसका शेप बड़ा होगा वो ज़्यादा बिगड़ेगा, वही इसी के इलेक्ट्रॉन क्या है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ज़्यादा इधर की तरफ बढ़ेंगे, ये क्या इसमें शेप कम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेंगे, कम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा साइज होगा किसका, एन आयन का, ठीक है। दूसरा फैक्टर यहाँ लिख देते हैं, दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ एन आयन। तो जितना ज़्यादा साइज होगा एन आयन का उतना ज़्यादा क्या होगा, ये इसका शेप क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो जितना डिस्टॉर्ट होगा उतना तो पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा साइज ऑफ एन आयन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये भी पोलराइजिंग पावर के, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर बता चुके, पहला फैक्टर है चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एन आयन का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। दूसरा क्या है कि एन आयन का साइज जितना बड़ा होगा एन आयन का पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ भी कैटायन होगा, एनायन नहीं होगा, पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कैटायन का होता है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हो गए, अब देखना हमें तीसरा फैक्टर। तो तीसरा फैक्टर जो है वो है साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज देखना हमें, ठीक है। तो ये कैटायन है, इसका साइज अगर देखते हैं तो दो अगर एनायन है और उसको सेम एनायन ले लेते हैं, साइज दोनों का सेम है, ठीक है। अब कैटायन का साइज एक मान लेते हैं, ये बड़ा साइज हो गया और ये छोटा साइज हो गया। अब इसमें क्या होगा, जब साइज छोटा है तो इसके सारे पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, ठीक है। साइज छोटा है तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है सब एक जगह है, अगर एक जगह है तो उनको वो क्या करेंगे, और तेज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन जो है बड़ा साइज है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये उतने तेज इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, ये जबकि ज़्यादा तेज इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो जितना साइज छोटा होगा किसका, कैटायन का, उतना ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। तो तीसरा फैक्टर है, इसको मिटा देते हैं, तीसरा फैक्टर है साइज ऑफ कैटायन, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, कैटायन के पोलराइजिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि एन आयन का साइज अगर ज़्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, लेकिन कैटायन का साइज अगर ज़्यादा है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इन दोनों पर एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है। एक है NaCl लेते हैं, KCl ले लिए, एक हो गया RBCl ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एन आयन सेम है लेकिन कैटायन में क्या है, कैटायन पे चार्ज भी सेम है, सब पे क्या है, प्लस वन चार्ज है। तो हमें क्या देखना, अगर चार्ज सेम है तो क्या देखना पड़ेगा, हमको साइज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर साइज की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव वाला ये साइज छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता रहता है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है किसका बढ़ रहा है, कैटायन का बढ़ रहा है, तो कैटायन का साइज हो गया, कैटायन का साइज बढ़ गया तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर इसमें पोलराइजिंग पावर का सिक्वेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये सिक्वेंस हो जाएगा। ये थर्ड का एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड का एग्जाम्पल भी यहाँ दे देते हैं। अब अगला ले लिए, सबसे पहले NaF ले लिए, फिर NaCl ले लिए, NaBr ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है कैटायन जो है वो सेम है, सब जगह सोडियम है, एन आयन वेरी कर रहा है, और सब पे चार्ज क्या है, चार्ज सेम है, -1 -1 -1। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अब रेडियस देखना पड़ेगा। तो रेडियस क्या है, इसका सबसे ज़्यादा रेडियस है, और रेडियस जिसका ज़्यादा होगा तो साइज पे डिपेंड करेगा एन आयन पे। तो रेडियस ज़्यादा तो इसका मतलब कैटायन का इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो इसका सिक्वेंस ही हो जाएगा। तो ये तीन फैक्टर हो गए। अब है फोर्थ फैक्टर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये फोर्थ फैक्टर है,
जो जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को, तो ये बताते हैं फोर्थ फैक्टर क्या है आपको। फोर्थ फैक्टर जो है वो है कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। जो कैटायन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो भी कैटायन है वो अगर फॉलो करता है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो जो कैटायन है अगर वो सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अगर बनाता है, अब सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या आता है ये भी समझना है, और सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में क्या डिफरेंस है ये भी समझना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सेल है, अंतिम सेल है, वैलेंस सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आउटर मोड जो सेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, या फिर एक और नाम बोलते हैं नोबल की जगह क्या जोड़ते हैं, इनर्ट जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ये इससे अलग होता है। इसमें क्या होता है जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इस वाले में कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इसका होगा NS2 NP6 और ND10। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है तो उसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और किसी भी कैटायन का अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनता है तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। सिंपल सा क्या है कि जिस कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा हो, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगा, वो क्या होगा, एक्सेप्शनली हाई पोलराइजिंग पावर उसकी होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं, अब जैसे कि ले लेते हैं जेडन लेते हैं, जेडन का होता है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 4H2 और 3D10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था जेडन का, ठीक है। लेकिन इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो ये है 4S, इसको हम यहाँ बना देते हैं 4H2, यहाँ पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं कहलाएगा। इसमें क्या होगा, अगर इसी जेडन में जेडन प्लस प्लस कर दें तो होगा क्या, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो क्या बन जाएगा, 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 और 3D10, ये बन गया। अब ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट सेल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये जितने, अब ये वाला जो ग्रुप है ये किसका है, सेकंड बी है, पीरियोडिक टेबल में सेकंड बी का है जेडन, ठीक है। तो सेकंड बी वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर उसमें प्लस टू बना दिया जाए तो सब क्या बनाएंगे, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाएंगे। इसी तरीके से जो फर्स्ट बी होता है इसमें क्या होगा, इसमें जितने होते हैं अगर प्लस वन इस पर रख दिया जाए तो ये भी क्या बनाएगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाएगा। तो जो प्लस वन होता है, जो फर्स्ट बी ग्रुप होता है, इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो इसमें आता है कापर आता है, एजी आता है और एयू आता है। तो इन तीनों में क्या करेंगे, प्लस वन कर देंगे। अगर प्लस वन कर दिए तो ये क्या बना लिया, ये सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना लिया। इसी तरीके से जो सेकंड बी है, तो सेकंड बी में क्या क्या आता है, जेडन आता है, सीडी आता है और क्या आता है, एचजी आता है। इसमें भी क्या करेंगे, प्लस टू बना देंगे। तो इसका अगर प्लस टू वाला ले लेंगे तो ये क्या बनाएगा वापस, ये भी क्या बन गया, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन गया। इसके अलावा आता है थर्ड ए जो बोरान ग्रुप होता है, ठीक है, ये बोरान ग्रुप होता है थर्ड ए का, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें जो लास्ट तीन है ये भी, इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक के इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होता है, इसमें भी डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फिगरेशन बनाएंगे, जैसे गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस थ्री कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस थ्री वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे, ये वाले गैलियम वाले, ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या बनाएंगे, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाएंगे। और अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन रहा है तो ये क्या होगा, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो ये टोटल था आपका चार फैक्टर्स, कौन कौन से, चार्ज ऑफ कैटायन, दूसरा था चार्ज साइज ऑफ एनायन, तीसरा था साइज ऑफ कैटायन, और अगला था कॉन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, ये चार फैक्टर्स से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसे समझना था, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स हैं, अब आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, इसमें क्या क्या आज बताया गया है कि सबसे पहले बताया गया है कि पोलराइजेशन क्या होता है, फिर पोलराइजिंग पावर क्या होता है, फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करते हैं, तो यही चार फैक्टर्स हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे चीज़ आपको पढ़ाएंगे।